यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रविवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी। मौसम विभाग के मुताबिक तड़के सुबह 3:36 पर कल सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र शिमला में ही जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटकों से डरे हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो आपको बता दें कल सुबह 3:36 पर यह भूकंप आया था और इसका केंद्र शिमला में ही बताया जा रहा था। हल्के भूकंप के झटके थे जिसके कारण शिमलावासी डर गए थे और अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो आपको बता दें शिमला जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल सुबह 3:36 पर यह भूकंप आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई थी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई इस भूकंप के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूकंप इशारा कर रहा है कि जिस प्रकार से शिमला में प्रबंधन किया गया है मैनेजमेंट का, वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। क्योंकि काफी समय से शिमला को डेंजर जोन में रखा गया है, भूकंप के चलते डेंजर जोन में रखा गया है। वहां बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी धराशायी होकर गिर सकती है। और कल सुबह की बात की जाए 3:36 पर यह भूकंप आया था। गनीमत ये रही कि कोई नुकसान की खबर नहीं आई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन डर कर मारे लोग घरों से बाहर जरूर निकल आए थे।